अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या बोलती है पब्लिक? आज हमारे साथ में फिर है वसीम भाई, जिनके हमारे पास 5 बकरे हैं और रियल ओनर ऑफ खिलजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, एक्चुअली फीडबैक ले लिया आपने, बराबर आपने खिलजी लिए, हमारी इज्जत रखी, जजाक अल्लाह का। पहली टाइम आप भराई का बकरा कोई खरीदे? फर्स्ट टाइम। हाँ, इसके पहले तो तीन साल से फार्म पे हूँ, तीन साल से अपने बकरे हैं, लेकिन कभी भराई का बकरा लिए नहीं, हमेशा सेल्फ फीडिंग पे ये था। हाँ, बट ये साल क्या है, मैं पहले ही बोला था फैसल भाई को, इंशाल्लाह ताला कभी भोपाल जाएंगे तो एक बार देखो, कभी कोई मिलता है तो। किस्मत अच्छी थी, अल्लाह का एहसान था कि नायाब चीज मिल गई फैसल भाई के बदौलत। जो रेट में हमने दिए ना, दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। ना, 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 रेट बताएंगे भी नहीं अपन, नहीं तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से मेरे पास जाने लगेगी क्या भाई ये रेट में बकरे दिला, पॉसिबल नहीं है। वो रेट की बात है, दूसरा कुर्बानी करना है। कुर्बानी करना तो चाहे महंगा हो या सस्ता, बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। हम लोग वेट का भी नहीं बताएंगे, बहुत अच्छा वेट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बोला था उससे ऊपर ही वेट निकला है। और रही बात अपने फार्म के बकरों की, फार्म के बकरों की तो ऐसा है कि कुछ जवाब ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। एक्चुअली जो देखने के बाद में जो दिल खुश हुआ है, एक तो बकरा मेरा ऐसा है जो 2 साल से पलाई पे आपके पास, एक नहीं इनफेक्ट दो, बमसी और अर्तुरुल, दोनों बकरे शायद मैंने 20-20 किलो पे लाके छोड़ा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, दोनों बकरे 90 kg प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बमसी आया था, छोटा सा था, इतना सा बकरा था, वो आया था कांपते हुए क्योंकि बारिश में शायद भीग गया था। तो फैसल भाई ने मेरे को बोले थे, अरे बकरा लाए तुम ऐसा लेके, मैंने लाके दिया था टेम्पो में यार। बिलाल भाई, ये आदमी ने लाके दिया, बिकते हुए बकरे लाके दिया था, मैं ढूंढ रहा था इतने लोगों में। हाँ, ये कैसे लेके आए थे? दिखा के लाए थे, कांपता हुआ बच्चा बेचारा, हम लोग को याद है अभी तक, हम लोगों ने वजन कांटे में रखे थे उसको पूरी रात, सुखाए थे, अजवाइन वगैरह कुछ डालने बोले थे, सुखाए थे उसको, अजवाइन वगैरह डाल के उसके बाद एक्चुअली लास्ट ईयर उसकी कुर्बानी में थे, लेकिन भाई ने मेरे को बोले कि नहीं उसको पलटी करो, उसको दिखाएंगे वीडियो, दिखाएंगे ना, दिखाएंगे। मेरे को तो लगता है कि पूरे फार्म का सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिव और सिक्का भी उसका, सिक्का तो उसका है ना, खंजर है। नहीं भाई, तुम्हारी मेहनत थी क्या, तुमने हमारे को ना आजमाए थे। और जजाक अल्लाह खैर, बिलाल भाई अपने वसीम भाई को हमारे से मिलाए, और फिर उसके बाद में सिलसिला चलता रहा 2 साल से अपने पास, 3 साल, तीसरी साल है, तीसरा, पहले साल तो खरीदे थे किसी और के पास, ये तीसरा साल है। 2 महीने तो तुम्हारे पास ही थे, 2 महीने पहले, और उसके बाद में तुम्हारा शौक जागा है। एक्चुअली वो 2 महीने में ना बकरों ने जो पलटी बताए, तो ये बोले भाई मैं भी रखूंगा अगले साल। नाम याद है मेरे को अभी भी, चुगरू था और गैलेक्सी था, गैलेक्सी था, आसिफ भाई के, आसिफ भाई के बकरे थे दोनों, अच्छे बकरे थे दोनों माशाल्लाह, अच्छे भी थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में फिर अपने साथ में जुड़ गए वसीम भाई, और अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी है कि भाई जो मैं बोलूंगा बोले भाई तुम्हारे को पसंद नहीं ले लो, तुम्हारे को पसंद नहीं ले लो, तो ये टाइप का मामला। वो एक भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने के लिए भरोसा क्यों है, कभी मैं लूट भी सकता हूं। वो घर का मामला है, घर का पैसा घर में रह जाएगा, घी जाएगा तभी कहां खिचड़ी मिलेगी, और क्या। अच्छा, सही है, फिर वो कहीं ना कहीं से वसूल लेंगे अपन। चलो अपन एक एक करके बकरे बताते हैं जो है, और ये पहला है, ये तो मेरे पास मेरे ख्याल से 6 महीना पहले आया है, 8 महीना हो गया। एक्चुअली किसी और फार्म पे था, नाम नहीं लेना अपने, नहीं अपने को किसी को बदनाम नहीं। कैसा है कि लेने के बाद में अपन ने वो फार्म वाले से लिए थे, बट बाद में अपन ने, मैंने वीडियो देख के लिया था, वो टाइम में दुबई में था मैं, तो मैंने फैसल भाई को फोन भी किया था, बोले ठीक है ले लो, तभी 4 बकरे लिए थे वहां से। बाद में मालूम पड़ा था कि चारों बकरों को कैंची थे, और कुछ कुछ थोड़ा पैरालाइज में भी थे, तो मालूम नहीं पड़ा, तुरंत ही बिलाल से मैंने बोलकर गाड़ी करा के चारों बकरों को यहाँ ले गए। लेकिन अभी कैची है, अभी तुम खुद देखो रिजल्ट, देखो ना रिजल्ट, देखो बकरा देखो, मार रहे हैं ना तुम भी, बोले तू ही लिया ना मेरे को। अभी रिजल्ट देखो ना उसका, उसकी इसकी लेंथ देखो, वो हाइट पकड़ा है, वो हाइट में नहीं था, 58 kg पे था जब मैंने ये फार्म पे भेजा, अब लास्ट जब मैंने को वीडियो आई थी तभी 76 पे था माशाल्लाह। तो वो यार बोल के मतलब नहीं, तोल के बताओ, बोल ना ये बोल के मत, तोल के बताओ। और यहाँ बैठा है तुम्हारा ये खूबसूरत, ये वो गरम भी होता है यार, ये है हमारा अर्तुल, इनका अर्तुल है, इसका नाम मैंने अकीक रखा था, और मेरे जरिए ही खरीदा गया था। और जब ये बकरा आया था भाई तेको माल में, इसकी हालत कैसी थी, मैंने बोला था भाई ये बकरे का भी, मैंने तुम्हारे को कोई अपडेट नहीं दिया था, लेकिन मेरे पास वीडियोस थी, बाद में वीडियो बताया था, मैंने बोला मैंने दिलाया हूँ, आया है, बीमार है, अब देखेंगे, बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने ना वसीम भाई को दूसरा कोई बकरा दिला देंगे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। फिर ये साल पैरालाइज मारा उसको, पैरालाइज होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बकरा ऐसा है कि उसकी खूबसूरती का पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जरा उसको गुलाबी पन देखो, तर गुलाबी तर गुलाबी वसीम भाई सब तो याद है यार, बहुत वीडियो देखते रहते हैं तुम, क्या करेगा फैसल भाई को सब जगह फॉलो करना पड़ता है। ये बकरा भी है जो उसके साथ आया था, बिस्किट के साथ आया था, इसका नाम ओरहान रखे थे अपन ने। ये भी वही कैची वगैरह का प्रॉब्लम, फिर बराबर पैरालाइज का प्रॉब्लम, ये सब चीजों से उसको इन लोगों उठा के खड़ा किया। मतलब फैसल भाई नहीं, अल्लाह ताला ने किया, हम लोग ने मेहनत की है। देखो वो है बट मेहनत है ना भाई, मेहनत तो करना ही है ना, बिना मेहनत के थोड़ी ना। तो ये भाई है कैमरे के पीछे आदमी है ना, तभी से तुम देखे ना, तभी से देखे, मैं तो सिर्फ खड़े रहकर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इतने वीडियो निकाले, मैं बोला अरे अभी तो फोटो निकाले, बोला मैं कैमरा में नहीं हूँ, फोटो में आता नहीं है, लेकिन असल मेहनत उसकी है, तुम देख रहे हो तभी से, मैं तो खड़े रहकर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसकी बात नहीं करने का। ये बकरा भी कैची में था और अभी फिट एंड फाइन है, और एक बकरा इसके साथ में आया था तो मैंने बोला था लेके चले जाओ, लेके नियाज कर दिए थे उसका, माशाल्लाह भी खूबसूरत है। अभी उसके बाद चलते हैं बमसी के पास, आ जाओ वो ही बच्चा है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, बच्चा नहीं रहा अभी। अच्छा बच्चा नहीं है अभी, वो बाप हो गया। ये ऐसा है कि इसके रेंज में कोई जा नहीं सकता भाई, और इसके सिक्के देखो कैसे ड्रिल वाले पूरे, जैसा ओल्ड ब्लड लाइन में अपन देखते थे ना पहले, वैसे ड्रिल वाले सिक्के, और कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है भाई। घोड़ा है मेरा, घोड़ा मेरे पास, अगर पुरानी वीडियो मिल जाए ना मेरे को, जब भी है मेरे पास में भेजता हूँ, जब भी फैसल भाई इसका वेट का वीडियो भेजते थे ना, वो क्या बोलते हैं कि वसीम भाई खारगर वाले, वसीम भाई का घोड़ा है उसके, देखो ना घोड़े कैसे आगे के पैर में व्हाइट पैच है, कुदरती बेल्ट है, व्हाइट पैच है, बहुत अच्छे पैच लगते हैं, और बाकी है थोड़ा डर भी लगता है, नहीं मारता बहुत पॉइंटेड है, बहुत पॉइंटेड, बहुत इधर मारे इधर, ये बंदे नहीं लेके यहाँ पर, ये इतना सा था भाई, इतना सा, दो साल बाद देखो रिजल्ट देखो इसका, लेकिन अंदर तकलीफ नहीं दिया उसके बाद, बीमार की कभी नहीं बीमार, अभी भी बीमार नहीं हुआ, सेट हो गया एकदम। पहले टाइम पे आया ना तो उसको ऐसा डोज मिला, बोले अब मैं बीमार हो जाऊंगा और डोज मिलेगा। चलो अब एक पीछे एक बचा हुआ है, रॉकी 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 आ जाओ, आज ये बकरे की भी अपनी एक स्टोरी है, वो फैसल भाई बताएं, इधर आओ फैसल भाई, तुम बताओ इसकी स्टोरी, तुम बताओ। ये बकरा गए साल ईद में बिक गया था, रास्ते में जाते जाते वहाँ पर उसको बुखार आ गई, मुंह में से फेस निकालने लग गया, और बकरा रिटर्न आ गया, तो एक सुन्नत काम है हम लोगों ने वो किए कि बकरा रिटर्न भी ले लिए, रास्ते में बीमार हो गया या टेम्परेचर, यहाँ से चढ़ाते टाइम पे कुछ भी नहीं था ना, हम लोग टेम्परेचर लगा के देखे कुछ नहीं, नॉर्मल, गाड़ी में पहुँचते पहुँचते बुखार हो गया, अल्लाह ताला को उसको रखना था एक साल और, तो इसीलिए वो वापिस आया, हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए, और तभी मैंने फ़ोन किया वसीम भाई तुम्हारे को, एक बकरा है अपने पास, जब ये दो महीने तक उसके बाद में बीमार रहा, लूज मोशन और इसकी हालत एकदम, पैर में सूजन, पैर में जख्म ऑटोमेटिक आते गए, दुआ किए दवा किए, और जब बकरा फिट एंड फाइन हुआ मैंने आपको एक फ़ोन किया, और एक फ़ोन के ऊपर जिसका बकरा था डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नंबर देके अपनी बात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये भी बोला कि भाई मैं किसी से बात करके मतलब नहीं है, तुम बोलो फाइनल क्या है क्या नहीं, वो अपने हिसाब की था, फैसल भाई तुम्हारी जबान से आगे कभी गए नहीं हम, वो हिसाब से फिर ले लिए, और आज देखो इसको माशाल्लाह, इसको मैं ही पसंद हुआ अभी लेके जाओ बोल रहे नसीब की बात होती है, ये आपके घर पे कुर्बानी होने वाला था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको वापस रिटर्न किया। बस 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 क्या करते, दिखाते शो करते, दिखा दो खिलजी, बता दे कौन बोला खिलजी, तो जोर का बोलो खिलजी, तो बोलो बताए, सब चिल्ला के बोलो खिलजी, सब वापिस चिल्लाएंगे तो वीडियो में बताएंगे, सब तुम्हारे साथ वाले जल्दी जोर से 1 2 3 इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात हो, सबको पता है इसकी वीडियो, तो इसकी रील तो जो फेमस हुई थी, जो फैसल भाई ने भोपाल में बना के डाला था शायद इसकी रील, मैं तो इतना खुश हूँ ना माशाल्लाह, इतना खुश हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम भराएगा बकरा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल की खासियत ऐसी है कि अपन ने जितने भी बकरे दिए बड़े,
जो भराई के दिए हैं लोगों को सब न्यू कमर है, खाली एक हाजी तोसीफ के पास गया हैदर, वो पुराने हैं, बाकी जितने भी दिए 4-5 बकरे सब न्यू कमर है माशाल्लाह। हाँ मतलब नए लोग है जो नए शौक में आए हैं, जो अपने पास 2 साल से पलाई पे रख रहे थे उनका एक शौक जागा और फिर उन्होंने ये अपनी मोहब्बत में अभी अभी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले साल इंशाल्लाह करेंगे अगले साल दो डन दो चलो डन थोड़ा जजाक अल्लाह खैर वसीम भाई इतनी इज्जत देने के लिए हमारे पास बकरे रखने के लिए शुक्रिया और अल्लाह करे रिश्ता बरकरार रहे और हमेशा चलते रहेगा क्योंकि अपने बीच में मामला तो वैसे ही है नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और आपके पूरे टीम का यहाँ पर कैमरा घुमा पहले पूरी टीम का ये इतने सब साथ में आए हमारी हौसला अफजाई के लिए चलो इसके साथ में साइनिंग ऑफ करते बस दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना गरीबों की मदद करना भूलना नहीं अपने अम्मी अब्बा का फर्मा बरदार बनो ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया टेक केयर अल्लाह हाफिज़ चलो।